तो नीट 2021 में बचे हुए 2 मंथ में आप प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में किया गया प्रिपरेशन ही आपके मार्क्स को इंक्रीज करता है। अगर आप लास्ट में ढीले पड़ गए तो आपके मार्क्स को कम कर देता है। तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी, इसी के बारे में वीडियो है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, शॉर्ट में बताऊँगा दोस्तों पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ था नीट 2020 में पोस्टपोन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से। इस बार भी पोस्टपोन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएंगी, नीट कैंसिलेशन का इन्फॉर्मेशन आएगा, स्टार्ट भी हो चुका है। तमिलनाडु स्टेट ने बोला हुआ है कि सेंट्रल को लेटर लिखा कि नीट को भी कैंसिल कर दिया जाए। हालाँकि इट इज़ इम्पॉसिबल, रेयरली 0% चांस है कि नीट को कैंसिल किया जाएगा। नीट पोस्टपोन्ड हो सकता है, कैंसिल कभी नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा, पहली बात। तो पोस्टपोन्ड के चक्कर में मत रहना, अगर कुछ पोस्टपोन्ड भी होता है तो कैंसिल के चक्कर में मत रहना कि कैंसिल हो जाएगा, पढ़ना नहीं है, पढ़ाई छोड़ दी, ये करोगे तो नुकसान हो जाएगा। नंबर दो, इस ड्यूरेशन में कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बरकरार रखिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर दिया, मीन्स 9 महीने से आपने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर दी और ये 2 महीने आपने ढिलाई कर दिया, कॉन्फिडेंस को लूज़ कर दिया, या फिर यहाँ पे किसी तरह से ढिलाई नहीं बरतनी है। नंबर 3, आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है, मोस्टली कैंडिडेट्स NCERT पढ़ते हैं, तो NCERT की रेफरेंस बुक्स जो हैं वो पूरी तरह से आपको कई बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खासकर बायोलॉजी की पूरी बुक रिवाइज कर डाली, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, खासकर लास्ट ईयर से जिस तरह का ट्रेंड है, वो बुक से ही उठा के क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को ही रेफरेंस बुक को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, समझ के। नंबर 4, इन रेफरेंस बुक में जो एक्सरसाइज है जहाँ पे मल्टीपल MCQs हैं उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि टेस्ट बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 4, इनका एक नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते जाइए। आप भी चाहते हैं आप तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के 10 या 15 दिन पहले रिविज़न करने में प्रॉब्लम ना हो। नंबर 5, रिविज़न डेली आपका चलेगा ही चलेगा दोस्तों। नंबर 6, मॉक टेस्ट इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय ये 2 महीने का जो टाइम है, इसमें आपकी अगर मॉक टेस्ट करने की प्रैक्टिस लगातार जारी रहेगी बिफोर एग्ज़ाम, तो आपको जो एग्ज़ाम का पेपर है वो भी एक नॉर्मल पेपर ही लगेगा। क्योंकि अभी आपने अगर मॉक टेस्ट करना छोड़ दिया, टेस्ट सीरीज छोड़ दी, तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, आई एम श्योर। तो ये भी आपको करना है, मॉक टेस्ट लगातार करने हैं। इसी तरह से MTG की जो सीरीज़ है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वो भी आप लगाते जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी बहुत बार लगा चुके होंगे, फिर भी कोशिश ये करिए फिर से एक बार लगा लीजिए। जितनी बार क्वेश्चंस को लगाएंगे, खासकर बायोलॉजी की केस में, उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सेम यही है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम में वो उसमें केवल डिजिट का हेयर फेयर होता है, बाकी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट वही लगता है। जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आप 10 साल पहले लगाते हैं वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आएंगे, बस केवल डिजिट का थोड़ा मोड़ा हेयर फेयर हो जाता है, मीन्स कॉन्सेप्ट का हल्का फुल्का। उससे आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चंस आपके लगातार हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी रहती है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आप उस प्रैक्टिस की वजह से कर लेते हैं। तो इस तरह से ये ड्यूरेशन है, इसमें इस कोरोना के बारे में कम सोच के, कोविड के केसेस को कम सोच के अगर आप चलेंगे, कॉन्फिडेंस बरकरार करके चलेंगे, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे डेफिनेटली। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम तो कोविड के काफ़ी केसेस थे, उसके बावजूद भी कई कैंडिडेट्स ने सिली मिस्टेक भी नहीं की थी, मीन 720 out of 720 दो कैंडिडेट्स ने किए थे, 700 से ऊपर स्कोर करने वाले लगभग 100 से ऊपर कैंडिडेट्स थे, तो मीन बहुत अच्छा रिजल्ट गया था। इस बार भी अच्छा रिजल्ट जाएगा दोस्तों, क्योंकि कोरोना के केसेस तो लगातार कम हो रहे हैं। तो कोरोना के बारे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोरोना को एक तरफ रखिए और अपने प्रिपरेशन को लगातार इम्प्रूव करिए, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि ये सिंपल स्टेप है दोस्तों, इसके अलावा और कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये सारा आपका काम है, ये आपको ही करना पड़ेगा। केवल स्टेप्स आपको बताए जा सकते हैं जो आपको इम्प्रूव कर सकते हैं मार्क्स को। दैट्स ऑल।